आप ये सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये लहसुन है, ये क्यों है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये लहसुन जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मैं आपको खाने का तरीका भी बताऊं, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी ये भी है कि लहसुन क्या महिलाएं और पुरुष दोनों खा सकते हैं या सिर्फ पुरुषों को इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई लहसुन बहुत महंगा है, कैसे खाएं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि लहसुन का सेवन सुबह करना है कि शाम को करना है। चौथा प्रश्न ये है कि किन बीमारियों में लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा स्वागत है आपका कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आगे के और भी इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहला प्रश्न ये हम सॉल्व कर देते हैं कि क्या लहसुन महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, क्या सिर्फ पुरुषों को ही खाना चाहिए, क्या इसके फायदे सिर्फ पुरुषों को ही मिलते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। भगवान ने मनुष्य एक ही बनाए हैं, फिर उसके बाद स्त्री और पुरुष हुए हैं, तो दोनों के शरीर को बेनिफिट देता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अब जी लहसुन इतना महंगा है तो आपने ये पूरी कली नहीं खानी है लहसुन की, एक कली। एक कली मतलब मैं आपको दिखाती हूं, ये होती है एक कली, बस इतना ही खाना है आपने एक बार में। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, महंगाई के मुद्दे पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अगली बात ये आती है कि भाई जो लहसुन है वो सुबह खाना चाहिए कि शाम को खाना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप सुबह लहसुन खाते हैं तो आपको हड्डियों की समस्या, जॉइंट पेन, आपके बालों का झड़ना, स्किन की ड्राइनेस, स्किन की रफनेस, स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, आपके खून को साफ और पतला करने में मदद करता है। ये फायदे इसके होते हैं, और बीपी को कंट्रोल करता है, हाई बीपी वाले हैं। ये फायदे होते हैं अगर आप सुबह लहसुन का सेवन करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लहसुन का सेवन सुबह करना चाहिए कि नहीं, हम ये भी जानेंगे कि लहसुन जो होता है उसको गर्म पानी के साथ खाना चाहिए या ठंडे पानी के साथ खाना चाहिए या दूध के साथ खाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली वीडियो ना मैं एकदम ऐसे फ्लो में बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं लाइव आके डिस्कशन करेंगे, लेकिन सम हाउ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं हो पाया। तो बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, तो सुबह खाने से जो फायदे होते हैं, अच्छा रात को खाने से, ये फायदे तो सुबह खाने से होते हैं, यही फायदे रात को भी होंगे, लेकिन एक फायदा और ऐड हो जाता है। वो फायदा ये है कि भाई इससे कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है अगर आप रात को इसका सेवन करते हैं। समझ में आया? अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई लहसुन खाने से, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि महिलाओं को लहसुन खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है कि रात को कोई नहीं सोएगा। तो ब्रश नहीं करते हैं क्या आप लोग? एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हम कोई चीज खाते हैं उसकी स्मेल उतनी ही देर आनी चाहिए हमारे मुंह से जितना कि हम कुरला करके उसको निकालेना। ब्रश करेंगे तो 100% खत्म हो जाना चाहिए। अगर उसकी स्मेल आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके पसीने में आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो रही है। आपको इंटरनली अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जो लहसुन है उसका सेवन ठंडे पानी के साथ करना चाहिए कि गर्म पानी के साथ? देखिए, ठंडे पानी के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप गुनगुना सा जो पानी होता है या गुनगुने से थोड़ा सा जो गर्म पानी होता है उसका आप सेवन कीजिए। जिनका बीपी लो है उनको लहसुन का सेवन नहीं करना है, जो ऑलरेडी जिनका बीपी लो है उनको सेवन नहीं करना है। थायराइड में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये, और इसका फायदा एक ये भी है कि आपकी त्वचा को इवन टोन करने में लाभकारी होता है, पोर्स जो होते हैं उसको श्रिंक करता है। अगर आपके चेहरे पे मस्से, मस्से समझते हो जो ऐसे मोटे मोटे से हो जाते हैं, अगर वो है तो वहां प्याज और लहसुन का रस अगर आप ऐसे कपड़े से थोड़ा सा कॉटन की सहायता से लगाते हैं तो वो थोड़े समय में, एक साथ भी रिजल्ट नहीं देगा, थोड़े समय में जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो निकल जाती है, वो गिर जाता है अपने आप से। लेकिन ये प्रोसेस है, कम से कम 15 से 20 दिन लगातार आपको सुबह शाम दोनों समय इसको लगाना पड़ेगा, तभी इसके लाभ होते हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।